दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं लेटी हुई थी, दोपहर का टाइम है, 4 बज गए, अभी उठूंगी। और बस करवा चौथ आने वाली है, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? मेरी तो यार कोई भी तैयारी नहीं हुई सर, कोई भी। और मैं सोची इस बार, उस दिन मैंने जैसे नवरात्रि में मॉर्निंग में साड़ी पहनी ना, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई इसकी, क्योंकि टाइट बांधना पड़ता है ना उसको, पेटीकोट को, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। पता नहीं क्या पहनूंगी, क्योंकि मेरे पेट में कई दिन से काफी पेन हो रहा है। और कल की वीडियो के नीचे कमेंट आया था, उन्होंने भी किडनी डोनेट की है अपने बेटे को, किया, उन्होंने कहा सेम प्रॉब्लम मेरी भी रहती है। तो मुझे लगता है काफी टाइम लगता होगा। देखो इस चीज में ना, अंदर से जहां से आपको फील होता है, जहां से आपकी किडनी रिमूव की गई है ना, वहां अंदर बहुत दुखन रहती है मेरे तो। और इस बार मुझे चिंता भी हो रही है, क्योंकि करवा चौथ के दिन पूरे दिन खाली पेट रहते हैं, थोड़ा सा तबीयत भी ऐसी हो जाती है। तो इस बार सब चीजें बहुत आराम आराम से करूंगी, है ना, जिससे कि शाम तक तबीयत सही बनी रहे। और अभी तक कुछ भी नहीं लिया, कुछ सामान भी नहीं आया, तो कुछ भी नहीं है, साड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं लाई। और मुझे लगता है लाव ले भी आती तो पहन भी नहीं पाती। हस्बैंड ने बोला था मुझे कोई कुछ लेना हो तो ले लो, मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं लेना। एक तो मेरे को फिर यह है, जल्दीबाजी में कोई चीज़ खरीदो ना, साड़ी वगैरह, तो वो मज़ेदार अच्छी सी नहीं आती। मुझे आपको याद होगा कि मैंने तीज पे एक साड़ी खरीदी ग्रीन कलर की, आप लोगों के साथ शेयर की थी, अमेजोन से मंगाई थी, वो भी मैं तैयार नहीं करवाने जा पाई। मतलब मेरा मन ही नहीं करा कहीं ऐसे जाने का। दूसरा मुझे लगता है आराम से सिलवा लूंगी ब्लाउज, ब्लाउज पता नहीं क्यों, और हर बार मुझे बहुत रहती थी। और मैं इस वीडियो के नीचे अपनी पुरानी वीडियो का शेयर करूंगी लिंक। पिछली बार करवा चौथ पे मैंने बहुत शॉपिंग की थी, बहुत खरीदारी की थी, मेकअप वगैरह मैंने बहुत लिया था यार, लेकिन लिया तो था, लेकिन पिछली बार के और इस बार के करवा चौथ में बहुत अंतर है। कैसे हैं? पिछली बार बहुत कुछ नया खरीदा था, इस बार कुछ भी नहीं खरीद रही। और देखो पिछली बार कुछ भी चीज़ें खरीदी थी, लेकिन मन में जो उथल पुथल थी, बहुत टेंशन सी थी, इस बार वो नहीं है। इस बार मन थोड़ा शांत है पहले से, क्योंकि आप समझ सकते हो, देखो एक लेडी अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती है ना, और चीज़ें तो दुनिया भर की कभी भी खरीद लोगे आप। करवा चौथ का जो फास्ट होता है ना, पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, और पति ठीक ना हो तो आप कुछ भी खरीद लो, कुछ भी पहन लो, तो मज़ा नहीं आता। तो बस यही, और जो भी तैयारी करूँगी आपके साथ शेयर तो करूँगी। देखो ज़्यादा कुछ नहीं शॉपिंग करूँगी, लेकिन कोरी चूड़ी बिछुए ये तो लाते ही हैं, और पता नहीं कब जाऊँगी। मैं हस्बैंड से कह रही थी यार आज आजकल मैं ले आती हूँ, नहीं तो फिर मार्केट में इतना ज़्यादा रश हो जाता है। रश तो अभी भी हो रहा होगा, लेकिन पता नहीं मेरे जाने का मन ही नहीं कर रहा। एक तो तबीयत अच्छी सी हो, आपको बाहर मार्केट शॉपिंग करने का मन करता है। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, राजस्थान से गेस्ट आए थे, उनको शॉपिंग भी करनी थी, उनके साथ भी मैं इसलिए नहीं गई थी। और हर बार तो मैं पड़ोस में जाती हूँ कहानी सुनने ना, करवा चौथ की जो कहानी आंटी सुनाती है, मैं सोची हूँ इस बार घर पे अपने आप ही करूंगी और करके बस लेट जाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है, सही नहीं चल रही। और आजकल मैं कुछ भी फालतू काम नहीं कर रही, घर पे कुछ भी नहीं कर रही फालतू, बस रेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि देखो फिर मैं ज्यादा कुछ, पता है त्योहारों में जो खाना बनाने का काम होता है ना, खाना वगैरह बनाने का, कुकिंग करने का, तो वही इतना हो जाता है कि उसको करके ही मेरी हालत बिगड़ जाती है। मेरे पर्दे भी नहीं उतरे अब तक, वॉश भी नहीं हुए, नहीं तो अब तक मेरा घर आधा मेंटेन हो जाता है। चलो देखूंगी जैसे भी होगा, जो होता है हो जाए, जो ना होता है ना हो, छुट्टी है ना, लक्ष्मी माता ऐसे ही खुश हो गए मेरे घर आ जाने। ठीक है चलो दोस्तों, तो ब्लॉग शुरू कर दिया है आप लोगों के साथ में, और देखते हैं क्या क्या रहता है आज के ब्लॉग में। ठीक है, प्यारी दीदी का बर्थडे है, वो मेरे वीडियोस देखती हैं, सीमा जी, तो हैप्पी बर्थडे सीमा वर्मा जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं बर्थडे की, और बहुत अच्छे से एंजॉय करना आप अपना दिन, बहुत खुश रहना। लेनी है करवा चौथ के लिए, तेरी चूड़े कितने की हैं भैया? लेना जी सुनिए, बिल्कुल नई चीज आई है जी, एकदम से। हाँ चीज तो नहीं है, आजकल बहुत देखने को मिल रहा है ना।
आएंगे वाली तो मेरे पास है, बस उसका डिजाइन अलग है। ये चीज बिल्कुल अलग है बहनी, बिल्कुल नई आइटम आई है। ये पछली इसमें कलर बहुत सारे हैं। ये कपड़े की कोई नहीं भैया, बहुत सुंदर आइटम है। कहीं ये फैक्ट्री वाली कपड़े तो नहीं। देते हैं जो साड़ियाँ पैक करवा दे, जो वो रेट बताए मैंने आप। इसमें जाती है भाई जी हाँ? जोड़ो जोड़ो वगैरह पैक होने में साड़ी हाँ, तो जोड़े वगैरह में जैसे किसी त्योहार पे बहू का कुछ बेच रहे हैं, बेटियों का कुछ बेच रहे हैं ना। स्क्रीन वाला वो वाला ब्लैक वाला भी, तो स्क्रीन वाला आता है ब्लैक ब्लू का। और शॉपिंग तो कर ला है दोस्तों, आते ही पर्दे उतारने लगे और डिनर में बहुत लाइट खाया। डिनर में तो बस समझो कि पराठे खा लिया कुछ भी नहीं बनाया मैंने ज़्यादा। बच्चों ने बाहर से ही कुछ खा लिया था, चाउमीन मोमोज खाए थे उन्होंने, बहुत टाइम बाद इनको खिलाए थे। और हस्बैंड कहने लगे मुझे थोड़ा सा ही कुछ खाना है, तो मैंने कहा चलो एक एक कप चाय बना लेते हैं और एक एक दो दो पराठे बना लेते हैं हल्के हल्के देसी घी लगा के, तो बस वो खाया। और उसके बाद में उन्होंने कहा चलो पर्दे उतार लेते हैं रात को, तो रात को पर्दे उतार के वॉश करती हूँ मैं तो ठीक रहता है दोस्तों, दिन में काम नहीं चलता। और ये वाला काम हस्बैंड ही हेल्प कराते हैं क्योंकि मेरा इतना ऊंचा हाथ नहीं जाता, दूसरा मैं चेयर या मुड़ी पे चढ़ नहीं पाती। तो बस श्रीजा और श्रीजा पापा सारे पर्दे उतार देंगे और उसके बाद इनको वॉशिंग पे लगाऊंगी, मॉर्निंग में ऊपर डाल देंगे जल्दी से सूख जाएंगे। और हस्बैंड ने मास्क लगा रखा है पर्दे उतारते हुए, क्योंकि ना पर्दे वगैरह देखो जल्दी जल्दी धुलते नहीं, उनमें डस्ट हो जाती है चाहे कितना भी घर आपका साफ हो, उतारते हैं तो डस्ट कैसे चलता है। बिना पर्दों के घर कितना बुरा सा लग रहा है। इस गौरी तुम्हारे बर्थडे का है, बर्थडे का है, मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया? वैसे विंडो गंदी हो रही है, लेकिन ये है कि इतनी बहुत ज्यादा भी नहीं गंदी हो रही, पहले तो बहुत ही ज्यादा गंदी रहती थी, इन्हें साफ तो रहते रहते हैं। लेकिन विंडो पहले ऊपर वाली बहुत गंदी थी है ना, जब हम आए थे इस घर में पूरे घर में क्यों फैला दिए ये? घर नंगा हो गया और बिना पर्दों के कैसे दिखता है ना घर। अब मम्मी इन्हें नहलाएगी भी, पापा जी को कहाँ चढ़ गए मम्मी। दोस्तों पर्दे तो हस्बैंड ने उतार दिए, अब इनको मैं बांध देती हूँ। जो भी इनके रिंग्स होते हैं सभी को पता है कि इनको बांध के ही वॉश किया जाता है, अगर आप इनको बिना बांधे वॉश करोगे ना तो फिर ये सब निकल जाते हैं मशीन में और सब खराब हो जाते हैं। मेरे रेड वाले पर्दे तो बहुत पुराने हैं, 10-11 साल पुराने हैं, लेकिन वो सारे ठीक हुए हैं, उनका एक आधा रिंग ही निकला होगा कोई, वो भी तभी निकला होगा, तब शुरू में मुझे पता नहीं था कि इनको बांध के करना चाहिए। और
अब तो मैं हमेशा इनको बांध के ही वॉश करती हूँ, तो कभी ख़राब नहीं होते। ये दुकान वाले भैया ने बताया था कि जब भी इनको वॉश करो ना तो इनको रिंग को बांधो फिर वॉश करो तो ख़राब नहीं होते। और देखो शक्ल देखो मेरी, एकदम से ना मार्केट वार्केट जाके एकदम थक जाती हूँ। और मैं शॉपिंग कर लाई हूँ सारी, आपको दिखाऊँगी मैं, ठीक है? आप जुड़े रहना मेरे साथ में और ब्लॉग में लास्ट तक। तो अभी तो देखो थकान मेरे चेहरे पर साफ दिखती है, वीकनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा पतली सुक्कड़ सी हो गई हूँ मैं कुछ देसी से शब्द बोल देती हूँ कभी कभी। और ये पुरानी एक बेडशीट पड़ी हुई थी, तो इसके कुछ मैंने ना कुछ ऐसे पट्टियाँ सी उतार ली, इसकी काट ली, फाड़ ली कुछ, और उसमें पर्दे बांध दूँगी सारे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, या फिर कोई डोरी वगैरह रखी हो उसमें बांध देती हूँ, लेकिन इतनी सारी डोरियाँ वगैरह कहाँ रखी होती हैं, तो कोई कपड़ा ही फाड़ के कर लेती हूँ। और ये दोनों बहुत बदमाशी करते हैं ना, जब मैं ऐसे काम करती हूँ तो मेरे चेहरे पर गुस्सा भी दिख रहा होगा आपको, तो बीच बीच में डांट दो श्रीजा, मेरे पीछे ही कूद रही है, फिर मैं उसको डांट देती हूँ, मेरे सर पे ही चढ़ जा। तो बच्चे आपके भी ऐसे ही करते होंगे आई थिंक। और ये दिवाली के होली के त्योहारों के जो काम होते हैं ना फैलने फैलाने वाले, तो इन्हें बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, श्रीजा सक्षम को बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मतलब पूरे घर के फर्श पर पर्दे ही पर्दे फैले पड़े हैं दोस्तों, आप देख लो क्या हाल हो रहा है घर का। और आपके पर्दे वर्दे तो आई थिंक वॉश हो गए होंगे, मेरे ही लेट हो गए है ना। और पर्दों के बिना घर कितना अजीब सा दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। पर्दे लग के घर बहुत अच्छा लगता है। और मेरा घर ना, मेरे पर्दे मैंने बहुत अरमानों से बनवाए थे, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग के अपने इस घर के, तो बिल्कुल मैच होती हैं सारी चीज़ें, तो अच्छी लगती हैं। और दोस्तों रात का टाइम है, डिनर वगैरह हमने कर लिया, मार्केट भी गई थी, कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ करवा चौथ के लिए, और जो भी करके लाई हूँ दिखाऊँगी मैं आपको। अभी हमने आते ही फिर खाना खाने के बाद ये पर्दे उतारे, और सबसे पहले इनको बांधूंगी, और मैं सोची हूँ कि रात को पर्दे धो देते हैं तो मॉर्निंग में ना काम कम रहेगा। गाइस पर्दों का पहाड़ बनाया मैंने, देखो भाई तो इस तरह से ना काम करना इजी हो जाएगा। तो आजकल हम ना कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के काम रात को करते हैं। सक्षम लो वहाँ से काम नहीं करो, क्लास नहीं लो। और इस तरह के काम रात को करने का ये फ़ायदा है कि सुबह को पोछा लगाने आता है या आती है सुमी या वो बेटा, तो घर गंदा कम होता है, ऐसे एडजस्ट करना पड़ रहा है चीज़ों को। और देखो सारे पर्दे कैसे उलझा दिए, मेरे साथ यही होता है जब भी कोई काम करने बैठती हूँ तो पट्टियाँ ढूंढ रही हूँ, उलझा दी इनके बीच में। मैं दोनों को डांट रही हूँ कि पढ़ते लिखते तो हो नहीं, बदमाशी करते हो, और दोनों जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए करते हैं। और आज मैं मॉर्निंग में आपसे बात कर रही थी ना, जब ब्लॉग स्टार्ट किया था, कि कुछ शॉपिंग नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और उसके थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड आ गए। फिर वो कहने लगे, अरे चलो कुछ ख़रीदारी करके लाओ, मार्केट में रौनक लगी है, तुम कुछ नहीं लाई अपने लिए? तो मैंने कहा यार चलूँगी बाद में, अरे बाद में नहीं, चलो फिर रश हो जाएगा। और फिर हम चले गए मार्केट, शॉपिंग वॉपिंग करके लाए। और इस टाइम जाने का फ़ायदा भी था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं जिस शॉप पर थी मैंने अकेले आराम से शॉपिंग की, कोई और लेडी उस टाइम नहीं थी। तो मैं हमेशा ऐसे ही टाइम जाती हूँ कि मतलब जैसे आप इवनिंग में जाओ ना तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन रात के टाइम जाओ ना, जैसे डिनर विनर के टाइम जाओ, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ मुझे तो मिली नहीं उस शॉप पे। और मुझे लगता है इतनी भीड़ थी भी नहीं, पिछली बार भी नहीं थी उस शॉप पे ना। दोपहर में, दिन में ज़्यादा होती है लेडीज़ की भीड़ दुकान पर, शाम को नहीं होती इतनी, यहाँ जिस मार्केट में, जिस शॉप पर मैं गई थी। तो और बस पर्दे में वॉश कर लूँगी अपने, और बहुत सुंदर सुंदर चूड़े थे दुकान पे, बहुत सुंदर सुंदर चूड़े थे दोस्तों। और जो आजकल चल रहे हैं ना वो प्रिंट सा बना रहता है उन पे डिज़ाइन सा, ऑनलाइन अच्छे हैं वो, आप ऑनलाइन ट्राई करना, मार्केट में तो वो बहुत महंगे हैं, 1600 का, और आई थिंक मेरी वीडियो में दिखा भी होगा आपको, 1600 का 1200 का ऐसे बता रहा था वो भैया। तो मैंने लेकिन ऑनलाइन इसके प्राइस चेक किए हुए थे, तो मैंने कहा ये तो 600-700 तक बड़े ईजीली मिल रहे हैं, और कुछ तो इससे भी कम है, 500 तक भी हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्ती मुझे भेड़ रहा था कि ले लो ले लो। तो ये पता, आप कभी भी शॉपिंग करने चाहो ना तो कुछ चीज़ों को ऑनलाइन सर्च कर लो जो आपको ख़रीदनी है, और फिर उसके बाद ट्राई करो, और जहाँ पे आपको रीज़नेबल और सही दिखे तो तब लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। कई बार मैंने ऐसी बेवकूफ़ियाँ की हैं, तो इसलिए अब मैंने थोड़ा सा सीख लिया है ये सब करना। तो बस ये पर्दे बांध दिए सारे, और मशीन लगा दूँगी, और रात में लगा रही हूँ मशीन। तो रात में मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने मैं पर्दे धो पाऊँ उतने धुल जाएँ, क्योंकि लगभग 4 बार में धुलते हैं मेरे पर्दे ना। और देखो मेरी मशीन जो है वॉशिंग मशीन, ये फुल्ली ऑटोमेटिक लेने का मुझे बहुत फ़ायदा लगता है। जब इस टाइम पे मैं काम करती हूँ ना तब मुझे लगता है कि यार अच्छा है मैंने सेमी नहीं ली, चेंज करके फुल्ली ली, तो इससे मुझे बहुत आराम रहता है ना, रहता है ना इससे आराम। बस अपनी मशीन लगा दो और कपड़े वॉश करने लगा दो, आपको वॉश करे मिलते हैं। हर एक चीज़ का आराम तो है, कह नहीं लगते हैं कि इसमें ये है फालतू, कहीं नहीं इसमें फालतू लगता है, सर्वर ठीक लगता है, और कपड़े इसमें काफ़ी साफ भी धुलते हैं। तो बस जितने पर्दे आएंगे उतने ही रिप करूँगी, और आजकल मशीन बड़ा ध्यान से यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी इसका पैनल चेक चेंज करवाया था मैंने आपके साथ
शेयर भी किया था दीवारों पे, एक तो लोड बहुत पड़ता है सब चीज़ों पे। देखो वॉशिंग मशीन में अब मैं ये पर्दे वॉश करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, दिन में कई बार चल जाती है ये, क्योंकि अब इतना सारा हो रहा है करने के लिए, और सक्षम को भी करना है मेरे साथ, जो भी मैं करती हूँ उसको करना होता है। और शॉपिंग मैं आपके साथ कल वाले वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, अपनी सिस्टर को आगे शेयर करना दोस्तों, आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों।